नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। आईबीसी 24 की खास पेशकश कांटे की टक्कर में आपका स्वागत है। कांटे की टक्कर में आज हम बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ वह लोकसभा क्षेत्र जहां अब तक कांग्रेस को जीत का इंतजार है। 2008 के बाद परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर पिछले दो चुनाव में भाजपा का कब्जा रहा है और यहां से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सांसद चुने जाते रहे हैं। इस बार भी भाजपा की तरफ से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मैदान में हैं। वीरेंद्र कुमार भाजपा के अजय नेता माने जाते हैं, जो अभी तक 6 लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और 7वीं बार फिर से मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी कांग्रेस को इस सीट पर जीत का इंतजार है और अपनी जीत खोजने के लिए कांग्रेस ने एक महिला प्रत्याशी पर दाव खेला है। किरण अहिरवार कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस बार न सिर्फ वो चुनाव में जीत दर्ज करेगी बल्कि भाजपा के विजय अभियान को भी रोकेगी। ऐसे में दोनों ही दल के नेता एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों का भी दौरा लगातार जारी है और इस सीट पर पूरे मध्य प्रदेश की नजर है। दोनों ही प्रत्याशियों की बात करें तो दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का मुकाबला इन दोनों प्रत्याशियों के बीच नजर आ रहा है। चुनावी पारा चढ़ने के साथ ही अब मतदान को लेकर तिथियां कम बची हुई है। यही कारण है कि शाम को भी प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं टीकमगढ़ में, जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी जो कि किरण अहिरवार हैं, वो घर घर निकली हुई हैं और वोट मांग रही हैं और ये अपील कर रही हैं कि अधिक से अधिक वोट देकर उन्हें जीत दिलाई जा सके। रण इसलिए भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि दो बार जो विधायक यहाँ पर सांसद चुने गए हैं वो भाजपा प्रत्याशी ही चुने गए हैं। ऐसे में एक चुनौती कांग्रेस के सामने है कि किस तरह से भाजपा के जो जीत के अभियान को रोका जाए। तो आइए चलते हैं किरण अहिरवार के साथ और देखते हैं कि किस तरह की चुनावी कैंपेनिंग में जुटी हुई हैं किरण अहिरवार। टीकमगढ़ के रण को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। भारी गर्मी के बाद भी प्रत्याशी प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और यही कारण है कि रात को भी प्रचार जारी है। इस बार जो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है वो किरण अहिरवार हैं। हालांकि वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके पार्टी की जो मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने की बात है, फिर चाहे वो न्यूनतम आय की बात हो, उसके जरिए चुनाव जीतेंगी। किरण अहिरवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं, किस तरह के वादा जनता से कर रही हैं और किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है? जी हाँ, मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ और हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो यहाँ पर पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। रोजगार के खातिर यहाँ से पलायन भी बहुत होते हैं और यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि मई का महीना शुरू होने वाला है, गर्मी काफी तेज है, तो कैसे प्रचार को मेंटेन करते हैं आप लोग, कैसे कैंपेनिंग की जा रही है? देखिए, गर्मी बहुत है, लेकिन हमें वो सब कुछ नहीं दिख रहा है। हमें तो सिर्फ एक अपना लक्ष्य दिख रहा है, जितने ज्यादा हम लोगों के पास पहुंच सके हम पहुंच रहे हैं। ये भी बात कही जाती है कि जो बुंदेलखंड का इलाका है, कई योजनाएं यहाँ तक आई लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुँच पाई। क्या लगता है कि अब किस तरह की कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो योजनाएं आम लोगों तक पहुँचेंगी? जी हाँ, कांग्रेस की जब यहाँ पर अपना केंद्र में सरकार बनेगी तो अभी राहुल जी ने भी आज कहा है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा होगा बुंदेलखंड में। जो योजनाएं नहीं पहुँच पाई हैं वो पहुँचेंगी। यहाँ पर जो आपके सामने प्रतिद्वंदी हैं वो 6 बार के सांसद रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो कैसे आप उनका मुकाबला करेंगे और जो टक्कर है वो कहाँ देखती हैं? जी हाँ, वो हालांकि बहुत पुराने हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनकी निष्क्रियता की वजह से जनता यहाँ पर उनसे काफ़ी दुखी है और गुस्सा भी है, नाराज़ भी है। और जब जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे पूरा प्रेम और पूरा सपोर्ट मिल रहा है जनता का, और चाहते हैं जनता कि मैं आऊँ, मैं काम करूँ, क्योंकि मैं काम करने के लिए ही राजनीति में आई हूँ। 6 बार लगातार जनता उन्हें चुन रही है, पहली बार आप मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि जनता इस बार क्या देखकर आपको चुनाव करेगी? देखिए, 10 सालों से यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुए, सांसद निधि भी खर्च नहीं हुई है। इसी वजह से जनता को अब जनता बहुत परेशान है और जनता चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। और एज अ महिला कैंडिडेट भी मुझे एक फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि एक भरोसा मुझ पर किया जा रहा है जनता की तरफ से। महिला सशक्त हुई हैं क्या? यहाँ पर अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आएंगे तो जरूर सशक्त करेंगे। ये भी बात कही जाती है कि जो बुंदेलखंड का इलाका है, पलायन की स्थिति हो रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपको नजर आती हैं? आप भी क्षेत्र में जा रही हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं नजर आ रही हैं? अगर जनता आपका चुनाव करती है, आप संसद पहुँचती हैं, तो उन मुद्दों को रखेंगी? हम पानी की समस्याएं सबसे पहले सुलझाएंगे, क्योंकि पानी की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। कहीं कहीं पर इतना ज़्यादा परेशानी है कि 2-2 किलोमीटर जा कर के पानी उनको लाना पड़ता है पीने का। इसके लिए हम नदियों को तालाबों से जोड़ करके बांध बना करके और घर में, हर घर में पानी पहुंचाएंगे। दूसरा, बेरोज़गारी की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। यहाँ पर रोज़गार पिछले 15 वर्षों से मिला नहीं है लोगों को, इस वजह से यहाँ पलायन बहुत होता है। तो राहुल गांधी जी ने इसके लिए कहा है कि यहाँ पर उद्योग धंधे खोलेंगे और फूड प्रोसेसिंग, हर जिले में फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स खोलेंगे, जिससे कि उनको वहाँ पे रोजगार भी मिले और किसानों को भी अपनी फसलों का सही दाम मिले। फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा यही नारा के साथ जनता के पास जा रही है, क्या लगता है कि मोदी की लहर है और उसका असर आप पर पड़ेगा? जी, मुझे अभी इस क्षेत्र में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, मोदी लहर यहाँ तो नहीं दिखाई दे रही है, और चुनाव हम जीतेंगे। स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी की सभा हुई और भी मंत्री आएंगे, तो क्या लगता है कि उनका कितना असर पड़ रहा है? और जो वोट बैंक रहा है, काफी हार जो है वो कांग्रेस की बड़ी हार होती रही है, उस पर कितना असर पड़ेगा? हाँ जी, काफी समय से कांग्रेस यहाँ से नहीं जीत के आ पा रही है, लेकिन इस बार हमें पूरा